इससे पहले मैंने आपको दो वीडियोस और भी दिए थे जिसमें मैंने आपके मेंटल प्लेन और इमोशनल प्लेन के बारे में बात की थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और लूशो ग्रिट की ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्लेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 816 अगर आपकी लूशो ग्रिट में मौजूद होती है तो क्या इम्पैक्ट होता है, और नहीं होती है तो क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, तीनों में से कोई एक नंबर अगर इम्पैक्ट क्या देता है, मान लीजिए 8 है आपके ग्रिड में या 1 है या 6 है, तो क्या इम्पैक्ट होता है, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे एक बहुत हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि आपके ऊपर इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर भर भर के वीडियोज़ आपको दी हैं, प्लीज़ उन्हें एक बार चेकआउट करिए। और एक आपसे विनती और है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें किसी भी ग्रुप में मुझे मत ऐड करिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने रीजनल या कुछ कम्युनिटी बेस्ड चलते हैं ग्रुप्स, उनमें मुझे ऐड मत करिए क्योंकि मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, लूशो ग्रिट की इस वीडियो के अंदर हम 816 के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें 816 के बारे में, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस में ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, साथ साथ आप जो भी काम लेंगे उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो अप्रोच होगी वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच होगी, और आप लेबर करने में यानी कि मेहनत करने में थोड़े से कमज़ोर दिखाई देंगे। नामी फिजिकल लेयर है तो फिजिकल वर्क आपका वीक हो जाएगा अगर 816 आपके पास नहीं है। वहीं अगर आपके पास है तो आप फिजिकल लेबर अच्छी करेंगे, हार्ड वर्क अच्छा करेंगे, आप बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आप जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और नए तरीके से कर पाएंगे। आपका जो जीवन का रवैया होगा, जीवन को देखने का रवैया जो होगा, वो बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर केवल इस ग्रिड में केवल आपके पास 8 है तो क्या इसका मीनिंग होता है? देखिए, अगर आपके पास 1 और 6 मौजूद नहीं है आपके प्रैक्टिकल प्लेन में, तो आप, मैं मानता हूँ कि आप 8 अगर आपके पास है तो आपको न्याय बहुत पसंद होगा। आप किसी के साथ कुछ खराब नहीं होने देंगे, मैनेज कर लेंगे मनी को भी। इसके साथ साथ आप हमेशा सत्य बोलेंगे। मान लीजिए केवल 8 आपके पास है, 1 और 6 आपके पास नहीं है, तो ये चीज़ आपके साथ होगी। अब आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपके साथ ऐसी चीज़ होती है कि नहीं होती है। मान लीजिए आपके पास 8 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, केवल आपके पास 1 है, उस केस में क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आप गुड इम्यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, और एक तरीके से आपके अंदर ईगो की भावना भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। वहीं अगर आपके पास केवल 6 है तो क्या होगा? आपको घूमना फिरना पसंद होगा, आप एक अच्छी पर्सनालिटी होंगे, इसके साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड मैन भी होंगे। तो अगर हम 816 को डिफ़ाइन करें तो भाई, अगर आपके पास है तो मनी को अच्छे से कर पाओगे, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, फैमिली ओरिएंटेड बनोगे, और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत दमदार यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। अगर आपके पास 8 और 1 है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास केवल 8 और 1 है तो आपका जो चुनाव होगा कैरियर में वो बहुत ज़्यादा वाइड होगा। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखेंगे और कन्फ्यूज़ भी थोड़े बहुत होते हुए दिखाई देंगे। आपके पार्टनर को थोड़ा इश्यूज़ देखने को मिलेगा, आपके पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। आप पावर में रहना पसंद करेंगे, आप अच्छे ऊंचे ओहदे पर जाना पसंद करेंगे, थोड़े से एग्रेसिव भी आप कभी कभी देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर 1 और 6 आपके पास आ जाता है, यानी कि 8 आपका मिसिंग हो जाता है, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा, मैरिड लाइफ में खासतौर से, रिलेशनशिप में मैं कहूँ तो आपको थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। आपको हमेशा अच्छा देखना पसंद होगा, लग्जरी नई नई चीज़ें, जैसे सपोज़ करो कि आईफोन का कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ तो आप जंप करेंगे उसके ऊपर कि हाँ मुझे लेना है। वहीं अगर आपके पास 8 और 6 है केवल, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अगर आपके पास 8 और 6 है और 1 नहीं है तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप हमेशा अपने खर्चों को एक तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और अपने खर्चों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वहाँ पर ठीक रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको यही सब कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऊपर कितनी बातें लागू हुई और कितनी बातें आपसे टच हो पाई। एनालिसिस कराना है, नंबर आ रहा है स्क्रीन पर,
ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुलाकात होगी नई वीडियो में।